जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो मैं वेलकम करता हूं आपका अपने SVM टेक्निकल पॉइंट यूट्यूब चैनल पे। तो आज की वीडियो हमारी कुछ इंटरेस्टिंग होने वाली है, जैसे कि आप लोग थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे। आज की इस वीडियो में ये बताऊंगा कि आप अपने मोबाइल में कोई भी ऐप को हाइड कैसे कर सकते हो, यानी कि आपके मोबाइल में मान लीजिए फ्लिपकार्ट, व्हाट्सअप, अमेजोन, इसी तरह कई ऐप डाउनलोड है, आप चाहते हो कि वो आपके अलावा और कोई को ना दिखे, सिर्फ आप ही को दिखे, आप ही को पता रहे वो कहाँ पे है। ऐसा बिल्कुल हो सकता है और उसके लिए आपको कोई भी ऐप भी नहीं डाउनलोड करना, कुछ नहीं करना। ये सेटिंग आपके मोबाइल में अवेलेबल है पहले से ही। तो कैसे करना है आपको, चलिए मैं बताता हूँ। उससे पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कुछ स्टेप्स हैं जो कि आपको फॉलो करने हैं, फिर आप भी अपने मोबाइल में हाइड कर सकते हो किसी भी ऐप को, कोई भी ऐप हो आप हाइड कर सकते हो। तो चलिए अपनी वीडियो शुरू करते हैं। और उससे पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, और जितना हो जाए उतना हमारे वीडियो को शेयर करिए। तो चलिए चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर और दिखाते हैं आपको कि आप अपने मोबाइल में कोई भी ऐप को हाइड कैसे कर सकते हो। तो चलिए चलते अपने मोबाइल स्क्रीन पर। तो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले अपने मोबाइल में अपनी सेटिंग को ओपन कर लेंगे और यहाँ पे सर्च करना है आपको हाइट, HIDE। सिंपली हम लोग हाइट सर्च कर लेंगे और सर्च पे क्लिक कर देंगे तो थोड़ी देर बाद देख सकते हैं यहाँ पे आ चुका हमारा हाइड ऐप्स ऑप्शन। सिंपली हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं हाइड ऐप्स लिखा, हम लोग सिंपली यहाँ पे क्लिक कर देंगे हाइड्स ऐप पे और फिर आपको इसमें पासवर्ड डालना है, जो भी आपका पासवर्ड पड़ा हो मोबाइल में। तो चलिए मैं वो पासवर्ड डाल लेता हूँ। जैसे ही हम लोग पासवर्ड डालेंगे तो थोड़ा लोडिंग लेगा और ये हमारा कुछ इस तरीके का ओपन होकर आ जाएगा। तो जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे नोटिफिकेशन में स्क्रीन में दिखा रहा है कि हाइड एंड ऐप्स होम स्क्रीन आइकन एंड नोटिफिकेशन एंड डोंट शो इट इन रिसेंट टास्क, यू कैन इंटर योर एक्सेस कोड ऑन द डायल पैड टू एक्सेस हिडन ऐप्स। मतलब कि जैसे ही हम अपने डायल पैड में जो भी नंबर डालेंगे, मतलब जो भी हम पासवर्ड लगाए होंगे डायल पैड में, अगर वो डालेंगे जिस जिस ऐप को हमने हाइड किया होगा तभी वो ऐप खुलेगा। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, मान लीजिए अमेज़ॉन को हम हाइड करते हैं तो सिंपली अमेज़ॉन पर कुछ इस तरीके से क्लिक कर देंगे। तो क्या करना है, अब हम लोगों को सिंपली ऊपर यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन दिख जाएगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके से और यहाँ पे लिखा होगा चेंज एक्सेस कोड। तो सिंपली हम लोग यहाँ पे क्लिक कर देंगे, आप जो भी कोड से अपना पासवर्ड अपना ऐप खोलना चाहें वो कोड लगा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि मैंने 123456, इस तरह नहीं आएगा, आपको इस तरह नहीं लिखना है। उसमें क्या करना है आपको, पहले हैज़ लगाना है, देन आप 123456, देन हैश अगेन, लास्ट में आपको हैश लगा देना है 123456 हैश। सिंपली हम लोग यहाँ पे क्लिक कर देंगे देन डन कर देंगे। तो देखिए अब हमारा अमेज़ॉन यहाँ से हट चुका है, आप देख सकते हैं। आपको अगर कहीं भी अमेज़ॉन दिख जाए तो बताइए। तो अब मैं इसको अपने मोबाइल में ओपन करूँगा डायल पैड के थ्रू। तो हमने पासवर्ड रखा था हैश 123456 हैश, सिंपली डायल कर देंगे। तो ये देखिए हमारा यहाँ पे अमेज़ॉन आ चुका है जो कि हिडन ऐप में ये है। तो ये हमको अब कहीं नहीं दिखेगा, सिर्फ वहीं दिखेगा जब हम यहाँ पे अपना वो कोड डायल करेंगे जिस कोड से हमने हाइड किया है। आपको एक बार और दिखा दूँ, हैश 123456 हैश देन कॉल, तो हमारे ऐप यहाँ पे हिडन ऐप खुल जाएगा कुछ इस तरीके से। तो इसको कैसे हटाना है चलिए मैं बता देता हूँ फिर आपको। सिंपली आपको सेटिंग पर आ जाना है, हाइड सर्च करना है, हाइड ऐप्स पर आना है, देन यहाँ पे हाइट्स ऐप पे अगेन आना है और थोड़ी देर वेट करेंगे। अपना आपको यहाँ पे मोबाइल का पासवर्ड डालना है, जो भी आपने ID लॉगिन करते वक्त डाला हो, और थोड़ा लोडिंग लेगा, वेट करेंगे हम यहाँ पे, देन इस तरीके से ये खुल जाएगा। अगर आपको वहाँ पे डायल पैड वाला पासवर्ड चेंज करना है तो सिंपली सेटिंग पे क्लिक करके यहाँ से आप चेंज कोड कर सकते हैं, वो कोड चेंज हो जाएगा। और लेकिन हमको इसको हटाना है तो ये हमने सिंपली हटा दिया इसको और यहाँ पर ये भी अब हट जाएगा, कुछ नहीं है। तो कुछ इस तरीके से ये हिडन होगा। देखिए मैंने इसको अमेज़ॉन को डिसेबल कर दिया है, बैक जाके आपको दिखा देते हैं। तो ये देखिए हमारा अमेज़ॉन यहाँ पे था, ये देखिए ये ऊपर ही हमारा अमेज़ॉन अब आ चुका है जो कि पहले नहीं आ रहा था। इस ऐप को हमने हाइड किया था, अब अनहाइड कर दिया है। अगर मैं यहाँ पर अब डायल करता हूँ हैश अपना कोड हैश 123456 हैश डायल करेंगे तो यहाँ पर कुछ नहीं होगा, सिर्फ प्राइवेट सेफ लिख के आएगा। ये हिडन सेटिंग है क्योंकि हमने वहाँ पे अपना इसको हिडन कोड बनाया था इसलिए, और यहाँ पे कोई भी ऐप हमको नहीं दिखेगा। तो कुछ इस तरीके से आप हाइड कर सकते हैं अपने ऐप को अपने मोबाइल में बिना किसी ऐप डाउनलोड किए, कुछ इस तरीके से। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और जितना हो जाए उतना हमारे वीडियो को शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।